ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। सावधान सावधान सावधान, पैकिंग सामान को खोलकर देखकर ही उपयोग में लाएं। दोस्तों, आज हम ऐसी खबर से सावधान होने वाले हैं कि जिसको जानकर आप और हम सावधान नहीं हुए तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर आ सकती है। दोस्तों, कोविड की समस्या के लिए तो हमने लॉकडाउन कर लिया और टीकाकरण करवा लिया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो समस्या आ रही है और आने वाली है वह बड़ा रूप ले सकती है। इसके लिए भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारियों का सामान उनके दुकानों गोदामों में खराब हो रहा है, सड़ रहा है। लॉकडाउन के खुलते ही वही सामान बाहर बिकने के लिए आने वाला है। यदि पैकिंग सामान को पूरी तरह से देखे बगैर उपयोग किया गया तो भारी समस्या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो आप देख ही रहे हो, अभी कैसी महामारी चल रही है, फंगल इंफेक्शन फैल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से एक ही जगह पर रखा होने के कारण और अंधेरे में होने के कारण और बरसात लगने के कारण अधिकांश सामान में फफूंद लग चुकी होगी और ये फंगल इन्फेक्शन का कारण बनेगी। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत से सावधान करने वाली पोस्ट आ रही है। यहाँ मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो आम के अचार के मसाले की है। यह एक फेमस कंपनी का पैक किया गया मसाला है। मैंने जरा सी पन्नी काट कर मसाला निकाला तो अच्छा और टेस्टी लगा, जो दिखने में और खाने में ठीक लग रहा था। मैंने जब पूरा मसाला थाली में निकाला तो उसमें फफूंद रेशे मकड़ी के जाले लगे हुए थे, बड़े बड़े गुच्छे बन गए थे। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई और आप सबको सावधान कर रहा हूँ। मैं कंपनी के नाम को नहीं उछालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दर्शकों को सावधान करना चाहता हूँ कि अब जब भी पैक सामान लें तो पूरी पन्नी फाड़कर सामान थाली में निकालकर अच्छे से देखकर ही सामान का उपयोग करें। और सभी कंपनी वालों से और व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता वैसे ही अभी बहुत सदमे में है, तंगी में है और अपने आप को संभालने का प्रयास कर रही है। इसलिए अपना फायदा ही नहीं देखते हुए जनता का भी ध्यान रखें, क्योंकि भुगतान यहीं पर करना है, आज नहीं तो कल। अधिकांश व्यापारी ज़्यादातर कोई भी ख़राब चीज़ होती है तो उसको रिमिक्स कर देते हैं, उसको छान के निकाल के जो ख़राब चीज़ है उसको निकाल के और बाकी को रीपैक कर देते हैं मिक्स करके। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये आने वाले समय में महामारी का रूप ले सकता है। अधिकांश व्यापारी ज़्यादातर कोई भी ख़राब चीज़ होती है तो उसको रिमिक्स कर देते हैं, उसको छान के निकाल के जो ख़राब चीज़ है उसको निकाल के और बाकी को रीपैक कर देते हैं मिक्स करके। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये आने वाले समय में महामारी का रूप ले सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन मृत्यु मोक्ष धर्म पवित्र बेसर्त प्रेम संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।